हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। इस वीडियो में हम पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो पीएन की वैकेंसीज हैं, 300 पोस्ट पे जो रिक्रूटमेंट निकाली गई हैं, और उम्मीद है जिसके फॉर्म आपने भर भी दिए होंगे, फिल कर दिए होंगे फॉर्म, उसके लिए प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसका सेट टू देखेंगे। कल हमने 50 क्वेश्चंस करे थे जीके के, और आज की वीडियो में भी हम 50 क्वेश्चंस को देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के। अच्छा, कुछ बच्चों का ये सवाल था कि पेपर जो है वो हिंदी में दिखाओ, तो मैं आपको बता दूं कि भाई पहले जो पेपर होता था वो सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में आता था, हिंदी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। आगे वाले आने वाले पेपर्स कोशिश करूँगा कि हिंदी में मिल जाए। ठीक है, तो ये इंग्लिश में ही अवेलेबल है। आपको सिर्फ मैं इस पेपर से आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ताकि आप एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही जो है वो स्टडी करो। तो फटाफट से बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। तो ये जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, कल भी दिखाया था, प्रीवियस ईयर पेपर है 2012 का, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट क्लर्क का ये पेपर है। तो कोर्ट किस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछता है वो इसमें देखेंगे। तो 50 क्वेश्चन हमने कर लिए थे कल, आज हम 51 से क्वेश्चन को करेंगे। और जो 51वां क्वेश्चन है उसमें बोला गया है कि द मिनिमम एज रिक्वायर्ड फॉर एन इंडियन सिटीजन टू बिकम अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। तो ये पॉलिटी से आ गया क्वेश्चन आपके पास, तो पॉलिटी से भी काफ़ी क्वेश्चन है, करंट अफेयर से भी काफ़ी क्वेश्चन को देखने को मिले थे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए इंडियन सिटीजन की, अगर आपको लोकसभा का जो है वो मेंबर बनना है तो कितनी एज होनी चाहिए मिनिमम। तो 25 साल की एज होती है मिनिमम और लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। तो ध्यान रखेंगे, पॉलिटी अच्छी खासी मतलब ठीक ठाक पूछी हुई है, तो आपको बेसिक चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। ठीक है, और बात करेंगे अगर लोकसभा का मेंबर बनने की 25 साल होती है, प्रेसिडेंट बनने के लिए जो मिनिमम एज होती है वो 35 साल होती है। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए जो होती है वो 35 साल होती है, और वाइस प्रेसिडेंट कौन होता है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है किसका, राज्यसभा का, मतलब राज्यसभा के लिए भी कितनी है, 35 है। ठीक है, और प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो पीएम बनने के लिए मिनिमम जो एज होती है वो 25 साल होती है, लोकसभा स्पीकर बनने के लिए भी मिनिमम एज जो होती है वो 25 साल होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है बुद्धा बुद्धा वाज बॉर्न एट, बुद्धा जो होते हैं उनकी जन्म कहाँ हुआ था, ये आपसे पूछ रहा है, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ठीक है, आप देख लीजिए, अब हिस्ट्री भी यहाँ पर पूछी गई है। तो बुद्धा का जो जन्म हुआ था वो लुम्बिनी हुआ था, तो कोई भी चीज़ आप छोड़ नहीं सकते। आगे बोला कि कैपिटल ऑफ रवांडा, रवांडा की कैपिटल यहाँ पर पूछी गई है, तो क्या होते, किगाली है, कैपिटल ऑफ रवांडा इज किगाली। अगला क्वेश्चन है द हेडक्वार्टर ऑफ आईएलओ इज लोकेटेड, तो हेडक्वार्टर से भी आपके पास क्वेश्चन है, और ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है। हेडक्वार्टर वगैरह जो होते हैं ये स्टैटिक जीके में आते हैं। तो हेडक्वार्टर ऑफ आईएलओ इज लोकेटेड कहाँ पर है, वो है आपके पास जेनेवा में, ऑप्शन नंबर ए। आईएलओ का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना थी वो 1919 में की गई थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपके पास जो है वो ए हो जाएगा। इंडिया एंड विच कंट्री रिसेंटली, रिसेंटली की बात हो रही है तो मतलब ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है जिसकी हमें अभी फिलहाल जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच प्रोटेक्शन, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू विच प्रोटेक्शन ऑफ, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था वो किसकी प्रोटेक्शन के लिए था, वो है आपके पास ऑप्शन नंबर सी, ओजोन लेयर, ओजोन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, इट इज ऑर्गेनाइज्ड इन 1987 में ये ऑर्गेनाइज किया गया था, तो ऑप्शन नंबर आपके पास सी आंसर हो जाएगा। विच कंट्री टेस्ट लॉन्च्ड फर्स्ट 3D टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, अब ये स्टैटिक जीके का पार्ट हो सकता है, तो 57 का हो जाएगा, चाइना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो बोला गया है कि विच कंट्री टेस्ट लॉन्च्ड फर्स्ट 3D टेलीविजन ब्रॉडकास्ट किसने किया था, ये किया था चाइना ने। व्हाट इज द नेम गिवन टू नाइक लोगो, तो जो नाइक लोगो है, व्हाट इज द नेम गिवन टू नाइक लोगो, तो जो नाइक का लोगो है उसका मतलब, जो नाइक का आपने लोगो देखा होगा ये ऐसे, ठीक है, तो ये जो लोगो है, व्हाट इज द नेम गिवन टू नाइक लोगो, क्या नाम दिया गया है, तो उसका नाम आपके पास शूज, ऑप्शन नंबर सी आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर हैज द लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन, तो लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन जो है वो किसका है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अमेजोन। ठीक है ना, लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन जो है वो किसका है, कौन सी रिवर का है, अमेजोन का है, ऑप्शन नंबर आपके पास ए हो जाएगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन अगर मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँ तो चलिए आगे बढ़ते, बाद में देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंड फॉर्म्स आर नॉट, कॉन्गो के बारे में मैं आपको बता सकता हूँ कि
जो कोंगो रिवर होती है ना, ये वाली जो रिवर है आपके पास कोंगो रिवर है, इसे हम इसे दूसरे नाम से जाना जाता है, ये आपके पास जैर रिवर के नाम से भी जाता है, ZAIRE। मैं थोड़ा सा पेन की थिकनेस कम कर देता हूँ। जो कोंगो रिवर है इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वो है जैर, ZAIRE रिवर के नाम से भी इसे जाना जाता है। ध्यान रखेंगे ये मेजर रिवर है किसकी, अफ्रीका की। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स आर नॉट कॉज्ड ड्यू टू द रनिंग वाटर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंडफॉर्म्स आर नॉट कॉज्ड ड्यू टू द रनिंग वाटर, तो कौन से हैं, वो है टनल्स। ऑप्शन नंबर आपके पास डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है द विजिबल येलो फेस ऑफ द सन इज कॉल्ड। ये देखो ये जो है, ये वाला क्वेश्चन हो गया, ये वाला क्वेश्चन हो गया और ये वाला क्वेश्चन होगा, ये किससे है, ये ज्योग्राफी से है, तो ज्योग्राफी भी यहाँ पर आपके पास पूछी गई है। तो चीजों का ध्यान रखना है भी कहाँ से कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे हैं। करंट अफेयर भी हो गया आपके पास, आपके पास स्टैटिक जीके भी हो गई, आपके पास ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, सबसे क्वेश्चन आ रखे हैं। ठीक है, तो सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा बेसिक तरीके से। अगला है द विजिबल येलो फेस ऑफ द सन इज कॉल्ड, ये भी आपके पास जो है साइंस का क्वेश्चन लेके चल सकते हो। तो जो येलो फेस ऑफ द सन इज कॉल्ड, किसकी वजह से होता है, ये आपके पास पता है कि फोटोस्फेयर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो जाएगा, फोटोस्फेयर। ठीक है, फोटोस्फेयर को क्या कहते हैं, सरफेस ऑफ द सन भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइवेट बैंक इन इंडिया, इनमें से कौन सा प्राइवेट बैंक नहीं है। तो बैंक से रिलेटेड भी क्वेश्चन है, तो IDBI जो है वो प्राइवेट बैंक नहीं है। ब्रह्मोस इज एन, ब्रह्मोस क्या है, फिर से आपके पास मिसाइल से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ब्रह्मोस क्या है, ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है। ऑप्शन नंबर आपके पास सी आंसर हो जाएगा, ब्रह्मोस क्या है, एक शॉर्ट रेंज सुपरसोनिक ये मिसाइल है। इसको जो लॉन्च होता है ये एयरक्राफ्ट शिफ्ट लैंड कहीं से भी, इसको जो है वो सबमरीन से भी इसको लॉन्च किया जाता है। इसकी जो स्पीड है वो 3000 किलोमीटर यानी कि 3000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा इसकी जो है वो स्पीड होती है, 2.8 मैक होती है जो। ठीक है, अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड इज गिवन टू द स्पोर्ट्स कोच, तो द्रोणाचार्य अवार्ड, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है किसको, स्पोर्ट्स कोच को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द नेम ऑफ इरीगेशन सिस्टम प्रीवेलेंट इन इंडिया, तो इंडिया में कौन सा सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम जो है वो नहीं अपनाया जाता या नहीं इसका यूज किया जाता, तो वो है आपके पास सिलेज सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी, स्प्रिंकल भी किया जाता है, ड्रिप भी किया जाता है, फूरो भी किया जाता है, स्प्रिंकल ये सिलेज सिस्टम जो है वो नहीं किया जाता। अगला हमारे पास, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन, स्टैटिक जीके, तो किसका मेंबर नहीं है, वो है ओपेक का। ऑप्शन नंबर आपके पास डी आंसर हो जाएगा, ओपेक का मेंबर नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन इज अ वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स चैंपियन, तो आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से जो है कौन सा इंडियन है जो वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स चैंपियन है। ठीक है, ये भी स्टैटिक जीके का आप मान के चल सकते हो, तो ये है आपके पास पंकज आडवाणी जो कि वर्ल्ड प्रोफेशनल बिलियर्ड्स चैंपियन है इंडियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बुक रिटन बाय VS नायपॉल, ये आपके पास बुक से क्वेश्चन हो गया, स्टैटिक जीके आप इसे लेके चल सकते हो। तो VS नायपॉल ने कौन सी बुक लिखी थी इन चारों में से, तो वो है आपके पास अ हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, हाउस ऑफ मिस्टर बिस्वास, जो कि पब्लिश हुई थी 1961 में और इसको बुकर प्राइज भी मिला था। ठीक है ना, सॉरी, इनको जो है VS नायपॉल को जो है वो बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, बुकर प्राइज भी इनको दिया गया था 1971 में, और किसके लिए दिया गया था, अफ्री स्टेट के लिए, एक बुक इन्होंने लिखी थी, कौन सी, अफ्री स्टेट, इसके लिए इनको बुकर प्राइज भी दिया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, आयरन ईरानी ट्रॉफी इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स, गेम से क्वेश्चन है, ये भी आपके पास स्टैटिक जीके का पार्ट है, ये भी स्टैटिक जीके का पार्ट है, तो स्टैटिक जीके से भी काफी क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ईरानी ट्रॉफी जो है वो एसोसिएट करती है किस गेम से, तो सबको पता है 69 का हो जाएगा सी, क्रिकेट से। इंडिया स्टार्टिंग इट्स 5 ईयर प्लानिंग विद इफेक्ट फ्रॉम द ईयर, तो पहली बार जो था पंचवर्षीय योजना कब शुरू की गई थी, 1951 में की गई थी, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, कि कब शुरू की गई थी आपके पास, ऑप्शन नंबर बी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च जवाहर नॉलेज सेंटर टू ट्रेन रूरल यूथ, तो कौन सा सेंटर है, जवाहर नॉलेज सेंटर शुरू किया गया था, कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने ये शुरू किया था, तो ये किया गया था आंध्र प्रदेश ने, करंट अफेयर का क्वेश्चन है ये अभी भी आप याद रख सकते हो, शायद पूछ भी लिया जाए। आगे हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज इंट्रोड्यूस्ड 1 kg राइस फॉर 1 rupee स्कीम, द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, इंपॉर्टेंट हो जाती है ये, तो 1 kg राइस फॉर 1 rupee स्कीम जो थी वो किसने शुरू करी थी, तो ये की गई थी तमिलनाडु के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा।
और अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड इन द गेम ऑफ लॉन टेनिस। फिर से गेम से क्वेश्चन आ गया आपके पास, तो कौन सी टर्म है इन चारों में से जो लॉन टेनिस में यूज की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डबल फॉल्ट। वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो डेज से भी क्वेश्चन है, ये भी आपका स्टैटिक जीके का पार्ट ही है। स्टैटिक जीके में डेज हो गया, बुक्स होगी आपके पास, हेडक्वार्टर्स हो गए, मिसाइल्स होगी, तो ये सारा कुछ सारा जो है वो स्टैटिक जीके का ही पार्ट होता है, इसलिए स्टैटिक जीके आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो वर्ल्ड ओजोन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन, तो 16 सितंबर को जो है वो वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर हम आते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, इंडियाज स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर इज इन। तो इंडियाज स्पेस रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर कहाँ पर है, तो यह श्री हरिकोटा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मैनी टाइम्स वी हियर अबाउट द SEZ इन न्यूज़पेपर एंड मैगजीन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SEZ। SEZ की फुल फॉर्म आपको बतानी है, कई बार हम इसे पढ़ चुके हैं न्यूज़पेपर और मैगजीन में। आपसे पूछा गया कि इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है, चाइनीज पार्लियामेंट इज ऑल्सो नोज एज, ये भी स्टैटिक जीके है, तो भाई बहुत क्वेश्चन है स्टैटिक जीके से। तो चाइनीज पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता है, नेशनल पीपल कांग्रेस, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर पावर। तो कौन सा रॉ मटेरियल जो है वो यूज नहीं किया जाता किसकी प्रोडक्शन के लिए, न्यूक्लियर पावर की प्रोडक्शन के लिए किसको यूज नहीं किया जाता, ये हो गया आपके पास साइंस से क्वेश्चन। तो कौन सा नहीं, क्यों क्या था, बेरिलियम यूज नहीं किया जाता। राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया इज क्या है, ये आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आप लगा सकते हो और स्टैटिक जीके से भी लगा सकते हो। तो राइट टू इन्फॉर्मेशन इन इंडिया ये क्या है, तो ये आ जाएगा आपके पास, ये आपका फंडामेंटल राइट है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट है, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसे हम RTI भी बोलते हैं। ये कब आई थी, एग्जिस्ट कब हुई थी, 2005 में। अगला हमारे पास है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नाटो। फिर से देखे हेडक्वार्टर से क्वेश्चन आ गया, स्टैटिक जीके है आपके पास ये, तो नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ब्रुसेल्स में है, ऑप्शन नंबर आपके पास है डी आंसर हो जाएगा। नाटो का मतलब क्या होता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म आपके पास पूछी जा सकती है। तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल। ब्रुसेल कहाँ पर आपके पास भाई, बेल्जियम में, कहाँ पर है, बेल्जियम में है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, डाइट इज द पार्लियामेंट ऑफ, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन, फिर से पार्लियामेंट से दो क्वेश्चन हो गए हैं। तो डाइट जो है वो पार्लियामेंट है कहाँ की, जापान की, ऑप्शन नंबर आपके पास है डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपके पास आंसर हो जाएगा। अच्छा, जो मलेशिया है, मलेशिया की जो पार्लियामेंट है इसका ना, इसको हम क्या कहते हैं, माजलीज कहते हैं, माजलीज होता है। ठीक है, इसराइल की अगर हम बात करते हैं, इसको इसका बोलना नहीं आता भाई, इसको KNESSET बोलते हैं, नेसेट बोलते हैं। और जर्मनी की जो होती है उसे हम बंडस्टैग बोलते हैं, अजीब से नाम है इनके, ध्यान रख लेना भाई, ये पूछे जा सकते हैं। अगला है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म पीपली लाइव। पीपली लाइव जो फिल्म थी इसके डायरेक्टर कौन है, स्टैटिक जीके है, तो कौन है वो, है आपके पास अनुषा रिजवी, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। कौन है, अनुषा रिजवी ने ये डायरेक्ट की थी। स्मार्ट मनी इज टर्म यूज्ड फॉर, स्मार्ट मनी जो टर्म है वो यूज की जाती है किसके लिए, क्रेडिट कार्ड्स के लिए जो है वो स्मार्ट मनी टर्म यूज की जाती है। व्हाट डज IPO स्टैंड फॉर, फुल फॉर्म से भी क्वेश्चन है भाई आपके पास, दो तीन क्वेश्चन तो मैंने खुद ही देख लिया अभी। IPO स्टैंड, IPO की फुल फॉर्म क्या होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफर होती है, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। IPO की फुल फॉर्म क्या होती है, इनिशियल पब्लिक ऑफिस ऑफर होता है। हु अमंग द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ द 19th लॉ कमीशन, तो 19th लॉ कमीशन के चेयरमैन कौन थे, स्टैटिक जीके है, वो थे आपके पास जस्टिस PV रेड्डी, या पॉलिटी से भी आप इसे लगा सकते हो। तो जस्टिस PV रेड्डी जो है वो 19th लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, ऑप्शन नंबर आपके पास बी हो जाएगा। अगला है हमारे पास, विच विटामिन कीप्स द आई हेल्दी, सबको पता है साइंस से क्वेश्चन है, तो कौन सा है, विटामिन ए जो है वो हमारी आंखों को हेल्दी रखता है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। और इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल, इसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है रेटिनॉल। डी का जो केमिकल नेम होता है विटामिन डी का, वो होता है कैल्सी फिरॉल, क्या होता है हमारे पास, कैल्सी फिरॉल होता है। विटामिन बी बहुत सारे होते हैं, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12, तो सबके नाम मैं नहीं ले सकता अभी फिलहाल के लिए। विटामिन के की बात करते हैं, तो इसको हम कहते हैं फाइलोक्यूनाइन, ठीक है, PHY क्या, UINO, क्यूनॉन भी बोलते हैं, फाइलोक्यूनॉन, ये होता है विटामिन के का नाम। ठीक है,
अगला है हमारे पास, अरे चल भाई, अगला क्वेश्चन है, हु इज रिसेंटली अपॉइंटेड अ न्यू गवर्नर ऑफ गोवा। तो करंट अफेयर हो गया, तो इसको अभी करने की जरूरत नहीं है। आप मेरे को कमेंट में करके कमेंट करेंगे कि अब जो है गोवा के गवर्नर वो कौन है, ठीक है। इसका आंसर आप प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि गोवा के अभी जो गवर्नर हैं रिसेंटली वो कौन है। अगला हमारे पास 20th कॉमनवेल्थ गेम वर हेल्ड इन। तो 20th कॉमनवेल्थ गेम जो थे वो कहाँ पर हुए थे, वो ग्लासगो। ऑप्शन नंबर आपके पास ए हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, ये स्कॉटलैंड में है। कहाँ पर है, ये स्कॉटलैंड में है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इज अपॉइंटेड एज गवर्नर ऑफ राजस्थान इन 12 मई 2012। तो गवर्नर से दो क्वेश्चन है, ये भी करंट अफेयर है, तो ये करने की जरूरत नहीं है। इसका आंसर भी आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि अब जो गवर्नर है कौन से राजस्थान के, वो कौन है। अगला हमारे पास, हु अमंग द फॉलोइंग पर्सनैलिटी इन मार्च 2012। ये भी करंट अफेयर है, नहीं जरूरत है हमें भाई इसकी। IMF केम इन एग्जिस्टेंट इन ईयर। IMF की फुल फॉर्म पूछ सकता है। तो IMF की जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, पहले क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पर बोला गया है हमारे पास, IMF कम इन टू एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर पूछा गया कि जो IMF है वो एग्जिस्टेंस में कब आई थी, कब इसकी स्थापना की गई थी। तो इसकी स्थापना जो है वो की गई थी 1944 में। ऑप्शन नंबर आपके पास बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो IMF की जो स्थापना है वो की गई थी आपके पास ऑप्शन नंबर बी, 1944 में इसकी स्थापना जो है वो की गई थी। और कोई क्वेश्चन यहाँ पर बनता हो तो 1945 का यहाँ पर बन सकता है कि 1945 में किसकी स्थापना की गई थी। 1945 में की गई थी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि FAO की जो है वो स्थापना की गई थी 1945 में। कहाँ पर, रोम इटली में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि विच क्रिकेट लेजेंड वॉज थैंक्ड बाय सर टिम राइस ड्यूरिंग एन ऑस्कर एक्सेप्टेंस स्पीच। तो विच क्रिकेटर का नाम आपको बताना है, वाज थैंक्ड बाय, जिनको थैंक्ड किया गया था किसके द्वारा, सर टिम राइस ड्यूरिंग एन ऑस्कर एक्सेप्टेंस स्पीच। अजीब सा ही क्वेश्चन है। तो वो कौन थे, वो थे डेनिस कैप्टन। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेम द बुक विच ओपन्स विद द लाइन ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट वन ग्रू अप। आपको बताना है उस बुक का नाम जिसमें सबसे पहली लाइन क्या है, ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट वन ग्रू अप। तो ये इस बुक का नाम आपको बताना है, वो है पीटर पैन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। पीटर पैन वो बुक है जिसकी पहली लाइन क्या है, ऑल चिल्ड्रन एक्सेप्ट वन ग्रू अप, पीटर पैन। और इसको जो है वो लिखा किसने था, द बुक वॉज क्रिएटेड बाय, जो इन्होंने लिखा था वो थे जेएम बैरी। कब लिखा था, 1904 में इसे लिखा गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। अगला हमारे पास, द सिस्टम ऑफ कंपिटिटिव एग्जामिनेशन ऑफ आर सिविल सर्विसेज वॉज एक्सेप्ट इन प्रिंसिपल इन द ईयर। तो कंपिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सिविल सर्विसेज जो सिस्टम था, इसे एक्सेप्ट किया गया था कौन से साल में, ये पूछा गया है। तो ये किया गया था 1853 में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। अगला है हमारे पास, विच अमंग द फॉलोइंग डिसाइड द ऑयल प्राइस इन इंडिया। तो ऑयल प्राइस ऑफ इंडिया में जो ऑयल प्राइस है इंडिया के अंदर, वो कौन डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है ऑयल कंपनीज। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। कौन डिसाइड करता है, ऑयल कंपनी जो है वो डिसाइड करती है। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ लंदन ओलंपिक्स। तो लंदन ओलंपिक्स में कौन सी चार, इन चारों में से कौन सी गेम थी जो इसका पार्ट नहीं थी, वो थी बेसबॉल। ऑप्शन नंबर आपके पास बी आंसर हो जाएगा। अगला है हमारे पास, एस सुंदर कमेटी वाज इन न्यूज। तो भाई ये एस सुंदर कमेटी करंट अफेयर का क्वेश्चन हो गया, लेकिन पढ़ लेते हैं कि क्वेश्चन है क्या। तो एस सुंदर कमेटी वाज इन न्यूज रिसेंटली फॉर रिपोर्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये थी आपके पास मोटर व्हीकल एक्ट 1988। तो ऐसे सुंदर कमेटी वाज इन न्यूज रिसेंटली फॉर रिपोर्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, मोटर व्हीकल एक्ट 1988 पे रिपोर्ट के लिए थी ये। अगला है हमारे पास, रविंद्रनाथ टैगोर रिनाउंड हिज नाइटहुड फॉर विच रीजन। तो अपने नाइटहुड की जो उपाधि थी इन्होंने लौटा दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने, सबको पता है किस लिए, तो जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसकी वजह से, ठीक है। अगला हमारे पास, द रेशो ऑफ द नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लैग की रेशो सबको पता है 2:3 होती है, 2:3 होती है नेशनल फ्लैग की रेशो। अगला हमारे पास, द फर्स्ट वर्ल्ड स्पैरो डे वाज सेलिब्रेटेड
इन 2010 अक्रॉस द ग्लोबल टू सेलिब्रेट द ब्यूटी ऑफ हाउस स्पैरो द वर्ल्ड स्पैरो डे इज ऑब्जर्व ऑन, तो डे पूछ रहा है, डे से क्वेश्चन है आपके पास, तीसरा चौथा क्वेश्चन है ये डे से, तो कौन सा आएगा, 20 मार्च, तो 20 मार्च को जो है वो वर्ल्ड स्पैरो डे जो है वो मनाया जाता है, ठीक है। तो भाई ये थे आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि जीके से थे, 50 से 51 से लेके 100 तक हमने करे। आज की वीडियो में 50 क्वेश्चंस हमने करे हैं, कल की वीडियो में मैंने क्वेश्चन काफ़ी सारे करे थे, तो यहाँ से हमें एक चीज़ तो बहुत अच्छे से पता लग रही है, वो क्या कि आपके पास जो स्टैटिक जीके है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हैं, आपके पास जो पॉलिटी है यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन हैं, हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चन है। बेसिकली ये मान के चलो कि आपको सारी चीज़ें इक्वलाइजेशन में पढ़नी पड़ेगी, ज्योग्राफी से भी क्वेश्चन है आपके पास, साइंस से थोड़े से कम है लेकिन हैं, साइंस से क्वेश्चंस कम है लेकिन हैं, और करंट अफेयर से भी क्वेश्चन है, करंट अफेयर भी बोल सकते हो आप इसे, और जनरल अवेयरनेस भी आप इसे बोल सकते हो। स्ट्रैटेजी जीके से बात करते हैं, तो स्ट्रैटेजी जीके में मेरे को डेज से क्वेश्चंस दिखाई दिए, मेरे को गेम से क्वेश्चंस दिखाई दिए, मेरे को फुल फॉर्म से क्वेश्चन दिखाई दिए, ठीक है, मेरे को माउंटेन पीक्स जो होती है वहाँ से क्वेश्चन दिखाई दिए, और हमें कहाँ से क्वेश्चन दिखाई दिए, फुल फॉर्म हो गया, हेड क्वार्टर से हमें जो है वो क्वेश्चन दिखाई दिए, मिसाइल से क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिखाई दिए, तो लगभग आपको जो है फेमस पर्सनैलिटीज से हमें यहाँ पर क्वेश्चन दिखाई दिए, तो स्ट्रैटेजी की आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। पॉलिटी में आर्टिकल यहाँ पर ज़्यादा पूछे गए थे, बेसिक जो हम पॉलिटी पढ़ते हैं तो वो सारी आपको पढ़नी पड़ेगी। हिस्ट्री में आपके पास जो है वो मिडाइवल भी थी, वो आपके पास एंशियंट भी थी और मॉडर्न भी, यहाँ पर जो है वो हिस्ट्री से क्वेश्चन हमको देखने को मिले हैं। ज्योग्राफी में वही पाथ वगैरह हैं, और पॉलिटी में अगर बात करें तो पार्लियामेंट से क्वेश्चंस हैं, ठीक है। साइंस में आपके पास बेसिक्स क्वेश्चंस हैं लेकिन ठीक है, कम है लेकिन पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर तो आपके पास है ही है। तो भाई आपको हर चीज़ों को जो है वो इक्वलाइज करके चलना पड़ेगा अगर आप इस जॉब के लिए पढ़ रहे हो तो, ठीक है, ठीक ठाक अच्छी जॉब है, ऐसी जॉब कोई ये नहीं बोल सकते कि छोटी जॉब है, ठीक है। तो और आज के ज़माने में कोई जॉब छोटी नहीं है भाई, मिल जाए भाई बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है। तो इसकी तैयारी के लिए पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे जाना, ये पहला पेपर था क्योंकि इसमें जीके पूछ आगे जो है वो इंग्लिश पूछी गई है, तो इंग्लिश आपके सिलेबस में है नहीं है, मैथ है, तो इंग्लिश मैं यहाँ पर करवाऊंगा नहीं, ठीक है। अगले पेपर करेंगे भाई, पुराने जो पेपर थे वो इंग्लिश में ही अवेलेबल है, इसलिए कोशिश करिए थोड़ी सी समझने की, आगे जो पेपर्स होंगे वो मैं हिंदी में जो है वो कोशिश करूंगा ले आऊंगा। तो ये आपके पास पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क का प्रीवियस ईयर पेपर था जो कि 2012 में पूछा गया था, अगले में 2019 में जो पूछा गया शायद वो करवा दूँ, ठीक है। उसके लिए बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस एग्जाम की पूरी प्रिपरेशन के लिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में, कोई क्वेरी हो तो कमेंट कीजिएगा, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।